Thank you. मुरब्बा अस्सलाम वालेकुम, कैसे जी आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। तो जो ईद की तैयारी थी वो तो साइड बाय साइड चली रही थी, और ये मम्मी कुछ स्नैक प्रिपेयर कर रही थी जो साउथ इंडिया में इसको पनियारम बोलते हैं, बहुत ही यम्मी लगता है। तो इसमें क्या करा, डोसे का बैटर था, इसके अंदर मम्मी ने अनियन और ग्रीन चिली को चॉप करके थोड़ा सा फ्राई कर लिया और इस बैटर के अंदर मिक्स कर लिया। नमक डाल लो और आप थोड़ा सा चॉप्ड हरा धनिया होता है ना, वो भी उसके अंदर बैटर के अंदर मिक्स करके ये बना लो। तो ये साउथ में तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, नॉर्थ के लिए अगर मतलब किसी को बनाना है जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये, तो आप ये पैन ख़रीद लो, कोई भी मतलब जो यूटेंसिल की शॉप होती है वहाँ पर मिल जाएगा आपको ये। और अब तो हर जगह ऐसा नहीं है कि भाई कोई साउथ की चीज़ है या इडली जो होता है मेकर होता है तो वो साउथ में ही मिलेगा, नॉर्थ में नहीं मिलेगा, आप ऑनलाइन भी उसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये जो रेसिपी है पनियारम की बहुत ही इजी है और एकदम हेल्दी भी है। जैसे रात का शाम का स्नैक होता है ना, तो चाय वगैरह के साथ हम ये खा सकते हैं, क्योंकि मम्मी ने बनाया था ये शाम के टाइम, बहुत ही ज़्यादा यम्मी था। हमने तो खाली चाय के साथ ही खा लिया था, बच्चों ने तो पूरा ही इसको निमटा दिया था, बट इसको कोकोनट की चटनी के साथ आप खाओ तो बहुत ही यम्मी लगेगा। तो अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं मम्मी के घर पर हूँ, तो जो सारे खाने हैं वो मम्मी कर रही हैं, बना रही हैं, तो मुझे तो मतलब इतना अच्छा लग रहा है, इतना मज़ा आ रहा है ना, मैं ये फेज़ इतना एंजॉय कर रही हूँ कि मैं अपनी मम्मी के घर रह रही हूँ, मुझे हर चीज़ बैठे बिठाए मिल रही हैं। या तो शादी से पहले ऐसा होता था कि बैठे बिठाए मिलती थी, जैसे हम स्कूल जा रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं, खाना मिल गया, बट फिर उसके बाद आके काम भी करना पड़ता था। पर अब ऐसा है कि अभी कुछ काम भी नहीं करना पड़ रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। पर कुछ टाइम ऐसा हो जाता है ना कि बहुत इंसान बोर हो जाता है जब कुछ करने को ना हो। और मेरे व्लॉग्स, क्योंकि मैं अपना सोचती थी कि हाँ मुझे अपने व्लॉग्स किस तरह बनाने हैं, क्या करना है, मैं एक स्केड्यूल करती थी, बट अब यहाँ पर ऐसा हो गया है कि कुछ भी मैं कर नहीं पा रही हूँ। तो जैसे कल ईद है, सब प्रिपरेशन चल रही है, तो हमारे नीचे एक रहते हैं आंटी रहती है, तो उनको मेहंदी लगवानी थी, तो मैंने उनको खुद ही इन्वाइट कर दिया कि हाँ हाँ आ जाओ, मैं लगा दूँगी, कोई बात नहीं। तो मैं उनको मेहंदी लगा रही थी ताकि मेरा भी टाइम पास हो जाए, इंसान कब तक मतलब ऐसा बैठा रहेगा ना। तो खैर ये मैंने उनको मेहंदी लगा दी थी। तो बस मेहंदी लग गई थी और मम्मी प्रिपरेशन कर रही थी, तो मैं एकदम से गई, मैंने कहा मम्मी रुक जाओ, मुझे अपना ब्लॉग बनाना है। क्योंकि क्या हो रहा है ना, यहाँ पर आके बस मम्मी जल्दी जल्दी बना देती हैं, आधा काम निपटा लेती हैं, फिर मुझे बोलती हैं कि अच्छा मैं खाना बना रही हूँ या कुछ, या फिर मुझे पता चलता है कि हाँ मम्मी ने स्टार्ट कर दिया है। तो खैर मम्मी ने इसके अंदर कुछ प्याज फ्राई वगैरह करी थी, आप देख रहे हो कढ़ाई में लगी हुई है। तो बस मैंने फिर मैं फटाफट गई, मैंने मम्मी से बोला, मैंने कहा मम्मी मुझे ब्लॉग बनाना है, तो मम्मी कहती है अच्छा ठीक है बना लो कर लो। तो ये मम्मी बना रही थी पेपर चिकन, जो ग्रेवी वाला होता है, मतलब ऐसा पेपर चिकन नहीं कि बहुत ज़्यादा पेपर उसके अंदर, तो मैंने इसके अंदर पेपर डाला और जैसे लाल मिर्च हो गई, ज़ीरा हो गया, ये ब्लैक पेपर है, ये वाइट पेपर है, लहसुन, लाल मिर्च, और फिर उसके बाद लौंग इलायची मैंने ले ली थी। ये हल्का सा क्या करना है ना कि आप इसको रोस्ट करके इसको पीस के भी डाल सकते हैं, या फिर आप इसको नॉर्मल ऐसे ही डाल सकते हैं थोड़ा सा तेल में फ्राई करके। तो ये पहले चिकन सॉरी जो प्याज है वो फ्राई हो रही थी, और उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था, और जब इसका कलर बिल्कुल मतलब भुन गया, थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो गया, फिर इसके अंदर टमाटर जाएगा, क्योंकि जो ये ग्रेवी है ये पिसेगी। तो टमाटर डाल के और लहसुन अदरक का पेस्ट, प्याज वगैरह सब अच्छे से भून के, फिर जब ये टमाटर थोड़े से सौगी हो जाएंगे ना, पक जाएंगे, तो फिर इसके अंदर सारा जो ड्राई होता है मसाला, नमक मिर्च हल्दी वगैरह वो जाएगा। तो फिर मैंने इसके अंदर ले लिया कुटी हुई लाल मिर्च, और ये धनिया पाउडर एक स्पून, लाल मिर्च छोटा चम्मच एक, और ये ज़ीरा पाउडर है, ये फूड कलर, और हल्दी, नमक मैं बाद में डालूँगी।
तो बस ये जो है मसाला बहुत अच्छे से पक गया है। अब इसको सिर्फ पीस लेना है, जो ये ऑयल है थोड़ा निचोड़ निचोड़ के, ऐसा नहीं हो कि आप जो ऑयल है वो उसको पूरा का पूरा मिक्सर में डाल दें, थोड़ा सा ऑयल ऐसे करना है जैसे हमने ये स्पून ले रखा है ना, तो ऑयल इसका निचड़ जाएगा। आप खाली इसका जो मसाला है वो लेके मिक्सर में डाल के इसकी प्योरी बना लें। तो बस ये पक चुका है, अब मैं गैस ऑफ कर दूंगी, जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको प्योरी बना लूंगी। और ये प्योरी बन चुकी है, कलर बड़ा अच्छा आ रहा है। तो बस ये जो ऑयल है उसके अंदर मैं ये सारे जो खड़े हुए गरम मसाले और ये था डाल के इसको मैं अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, और फिर उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस स्टार्ट करूँगी। तो पहले मैंने कढ़ाई में डाला था, पर फिर मुझे चिकन भूनना था तो उसमें थोड़ी जगह कम थी, तो मैंने कुकर ले लिया और कुकर के अंदर ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। और मैं वॉइस ओवर में बार बार मिस्टेक कर रही हूँ कि मैं अपना नाम ले रही हूँ जबकि मेरी मम्मी बना रही है ये, मैंने सिर्फ कैमरा पकड़ रखा है। तो खैर मम्मी की रेसिपी है, क्रेडिट मम्मी को ही जाना चाहिए। तो बस ये फिर जो चिकन है, चिकन इसके अंदर डाल लेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर थोड़ा सा और डाला है ताकि चिकन अच्छे से थोड़ा सा स्मेल अच्छी आए, भून जाए। और जब चिकन बहुत अच्छे से भून गया उसके अंदर फिर हम लास्ट में ये प्योरी डालेंगे, और फिर प्योरी को हम इस तरह 15-20 मिनट पका के फिर उसको गार्निश कर लें, क्योंकि ऑलरेडी जो ये मसाला है प्योरी का ये पका हुआ है, तो हमें बस चिकन को गलाना है। और चिकन जो फ्राई हुआ है वो भी 70-60% कुक हो गया है, तो बस लास्ट में ये ऊपर से कसूरी की मेथी जो होती है, कसूरी मेथी ये डाल ली है, और हम इसको सर्व कर देंगे रोटी के साथ। तो जी बस यहीं तक की थी मेरी वीडियो, इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे जल्दी, अल्लाह हाफिज़।